नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। शांतिधारा आपकी ओर से 5151 रुपया शांति धारा करने का स्वर्ण अवसर 5151। अरे शांतिनाथ कहते जाइए, चरणों में शीश झुकाते जाइए। शांतिनाथ कहते जाइए, चरणों में शीश झुकाते जाइए। सोने का सितारा भी चमक जाएगा, सोने का सितारा भी चमक जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा। हाँ जी, वो 5151 रुपए जल्दी चिंता कर भैया। और कोई दान भी धर्म श्रेष्ठ जी, चलो बोली संपन्न करें। 5151 रुपए 1, 2, 2.5, 3, 3, 4, 3 ये सौभाग्य अर्जित किया है अनुष्ठान के श्रेष्ठतम पात्र देवराज सौधर्मेंद्र श्रीमान। नाम बताइए सौधर्मेंद्र। सुनील जी, आदरणीय सुनील जी ने ये सौभाग्य। सुनील जी नहीं, सौधर्मेंद्र हैं। जोरदार ताली बजाइए सर। हाथ जोड़ने के सभी निवेदन पूछ जाओ मुनि श्री से। देवर पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु वसुनंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज की। ओ मुरैना से जय सुभाष समाज के सभी अतिथिगण आए हैं। मैं ओम प्रकाश जी हाथीपुरा वाले से, सुनील जैन मंत्री जी से और सुरेश जैन गौतम नगर वालों से निवेदन करूंगा। सुनील कुमार एवं समस्त परवादिजन एवं समस्त पुजारीगण, समस्त जैन समाज जी मात्र परम पूज्य आचार्य वसुनंदी महाराज संगे सर्वे शाम पुष्टिरस्तु, सुस्थिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुल गोत्र धनधान्यं सदास्तु, श्री सद्धर्म बलाय रोग्य सर्वतिरस्तु। ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूपो प्रसाद। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज की जय। अहिं समय विश्व धर्म की जय। मानो भाव पंचकलणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैन समाज का एक सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है, सर्वश्रेष्ठ आयोजन है, जिसमें शंकर बनने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। कंकड़ को शंकर बनाया जाता है, पत्थर को परमात्मा बनाया जाता है। भगवान बनाने का ये प्रक्रिया पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज 25 जनवरी से 30 जनवरी तक मनाई जाएगी। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सत्संग सानिध्य में ये आयोजन संपन्न होगा। शौरीपुर सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म स्थल है, ऐसे पावन सिद्ध क्षेत्र पर
भगवान के पंचकलणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। जो प्रतिमाएं यहाँ से तमिलनाडु में रहने वाले जैन समाज के लिए भेजी जाएगी। इस आयोजन में आयोजन करने वाले उपरोचिया दिगंबर जायसवाल जैन समाज के दिल्ली प्रांत के कार्यकारिणी ने ये बीड़ा उठाकर इस महती प्रभावना में अपना सहयोग दिया है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उनके लिए सतत आगे रहेगा। बोले महावीर भगवान की। जो आज चल रहा है अपने भारत में नागरिक युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा? सरकार का और कानून का जो भी निर्णय है वे अपने हिसाब से कार्य करती है। संत समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार चयन करके आती है, जब भारत की जनता ने उसका चयन किया है वे जो भी कार्य करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। हमारे लिए उनके लिए यही आशा है। आप कुछ लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं इसके बारे में? देखो, विश्व में शांति की आवश्यकता है और जो भी लोग शांति चाहते हैं वे यदि शांति चाहते हैं तो अपने आसपास के माहौल में भी शांति को बरकरार रखें, तभी उनके जीवन में भी शांति आ सकती है। दूसरों को शांति देने वाला ही अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है और यही भगवान महावीर का संदेश है। जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, रहो और रहने दो। सभी को अपने जीवन जीने का अधिकार है। आप लोग सब लोग सामंजस्य रखें, जो होगा अच्छा ही होगा। सरकार का सहयोग करें और उनकी भावनाओं को समझने का पुरुषार्थ करें, यही समझने का बात करें। थैंक यू। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।